गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सक्सेसिव डेरिवेटिव के जो बचे हुए पार्ट्स थे उसके उस पर डिस्कशन करना है। पिछले क्लास में जहां तक हम लोग आए हुए थे और कुछ बचे हुए फार्मूले हैं उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। इसमें पहला नंबर है कि इफ वाई इज इक्वल टू सपोज दैट ए एक्स प्लस बी देन फाइंड वाई। तो यहां क्या देखें, वाई बराबर कितना ए एक्स प्लस बी। तो इसका अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाई वन जिसको हम बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स, ये कितना हो जाएगा वन बाय एक्स के फॉर्म का इसका डेरिवेटिव माइनस वन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। फिर बचा हुआ पार्ट ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एक्स के रिगार्ड में इंटू ए। सो वी राइट वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू ए इंटू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव दिस इंप्लाइज दैट वाई टू इज इक्वल टू फिर से इसका डेरिवेटिव माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। सो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। और फिर ए एक्स प्लस बी का कितना हो गया ए, और ए ये पहले से है कितना हो गया ए स्क्वायर। तो कंबाइंड में इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर वन इंटू टू इंटू ए स्क्वायर इंटू वन बाय ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। और वन इंटू टू बराबर कितना, इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल टू। सो वी राइट वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर फैक्टोरियल टू एंड ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो अब फिर से इसके कंटिन्यूएशन में देखें इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या है। थर्ड डेरिवेटिव इज रिटन बाय वाई थ्री, सो राइट थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव दैट मीन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिगार्ड टू एक्स। सो वी गेट वाई थ्री इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वन बाय एक्स क्यूब के फॉर्म का है, इसलिए इसका डेरिवेटिव एक माइनस थ्री आ गया। तो माइनस थ्री में एक माइनस इसमें आ गया तो कितना हो जाएगा माइनस वन का होल क्यूब और फैक्टोरियल टू इंटू थ्री दैट इज फैक्टोरियल थ्री ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव एक्स के रिगार्ड में, फिर से एक ए, सो राइट ए क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर फोर, है ना। अब डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव का एक बहुत बड़ा खासियत क्या है, एक सक्सेसिव टर्म हम देखें किस रूप में ये चेंज हो रहा है। जैसे y2 में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर y2 के लिए यहां 2 आ गया, इसमें भी 2 है, a स्क्वायर है और यहां 3 है, दैट मींस 2 से 1 ज्यादा। इसको हम लिख सकते हैं जितना, इसको हम लिख सकते थे माइनस वन स्क्वायर फैक्टोरियल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर टू प्लस वन। तो टू के साथ इसका एक रिलेशन निकल आया कि टू हियर टू टू एंड टू, क्या थ्री के साथ भी वही रिलेशन बनता है, दैट मीन्स y3 इज इक्वल टू माइनस वन होल क्यूब फैक्टोरियल थ्री ए क्यूब
divided by ax plus b to the power 3 plus 1. तो बिल्कुल सेम रिलेशन बन गया, 2 के जगह पर केवल 3 रिप्लेस करने के बाद ये फैक्टोरियल 3 हुआ, दैट मींस थर्ड डेरिवेटिव मिल गया। तो nth डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं इसी के आधार पर, दैट मींस प्रोसीडिंग सिमिलरली we get nth derivative represented by yn is equal to कितना minus 1 to the power n, बहुत आराम से बोल सकते हैं कितना हो गया, yes factorial n, यहां कितना हो गया a to the power n divided by ax plus b to the power n plus 1, ये निकल गया nth derivative। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज y इज इक्वल टू 1 बाय ax प्लस b, ठीक है। अगर y 1 बाय ax प्लस b है, nth डेरिवेटिव ये मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एक काम करते हैं कि इसका एक डिग्री हम कम कर दें, जैसे यहां y1 हो जाए, तब nth डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, yn दैट मींस nth डेरिवेटिव जाने के लिए n माइनस 1 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो n टाइम्स डेरिवेटिव करने पर माइनस 1 पर पावर n, तो y1 का nth डेरिवेटिव दैट मींस डिफरेंशिएटिंग n माइनस 1 टाइम्स, दैट मींस yn इज इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं फार्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे अभी आप देखेंगे एक एग्जांपल के लिए कि जैसे log x है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट y इज इक्वल टू log x बेस e, दैट इज dy by dx, दैट इज y1 इज इक्वल टू dy by dx इज 1 by x, 1 by x इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी तुरंत निकालो इस तरह का, तो केवल a के जगह पर 1 हो गया, b के जगह पर 0 हो गया, सो y1 इज इक्वल टू 1 by x, देयरफॉर yn is equal to yn, y1 का n minus 1 times derivative करेंगे, कितना हो गया minus 1 to the power n minus 1 factorial n minus 1, a is equal to 1, so write 1 divided by x to the power n, one more, ये इसका derivative निकल आया है। और जनरल में इसी में हम करते हैं ना कि अगर y is equal to हो जाए log of ax plus b base e, then dy by dx that is y1 is equal to equivalent to this is equal to 1 upon ax plus b or into ax plus b the a. Now what is yn? Therefore yn is equal to kitna? A already I exist kar raha hai 1 by ax plus b ke liye, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 इनटू a दैट इज a टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n ओनली, दिस इज द nth डेरिवेटिव, राइट। अब एक बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसके बारे में हम लोग देखें कि अगर y का मान इस तरह का आ गया, इफ y इज इक्वल टू सपोज दैट 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, देन फाइंड y, अब कैसे निकालेंगे, तो ये तो दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वी कैन राइट x स्क्वायर
minus I square K square. Why? As I square is minus 1. So it is equal to 1 divided by x plus I y, x minus I y. ठीक है ना? अब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो कैसे करना है? ऊपर वन है, सो यू कैन राइट दिस एज एक्स प्लस आई ए माइनस एक्स माइनस आई ए. डिफरेंस ऑफ दिस टू इज इक्वल टू टू आई ए, सो डिवाइड बाय टू आई ए into x plus ia, x minus ia. अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना मिलेगा? इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ia, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x minus ia माइनस 1 अपॉन x plus ia. नाउ it is the sum of or the difference of two functions of the previous type, ax plus b type ka ho gaya. So the nth derivative, therefore yn is equal to, dono ke liye kitna ho jayega, minus 1 to the power n factorial n, dono mein aayega, divided by, because a is 1 in both case, 2 i a. और यहां क्या हो गया? 1 बाय एक्स माइनस आई ए टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस आई ए टू दी पावर एन प्लस 1. ठीक है, ये एनथ डेरिवेटिव निकल गया. लेकिन इस ये एनथ डेरिवेटिव में इसमें क्या है? आई जो कि इमेजिनरी पोर्शन है ये इसमें शामिल है, इसको पहले एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करेंगे तब ये फाइनल रिजल्ट देगा. इसके लिए क्या करेंगे? नाउ पुटिंग, सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू ए सॉरी आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू वाई नो ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू x square plus a square and cos by sine, that is cot theta is equal to x upon a or theta is equal to cot inverse x by a. इसका अप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा देखते हैं. Then this is equal to माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2 i a. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, दोनों में r शामिल हो जाएगा, x और a की जगह पर r शामिल होगा और r को जब बाहर निकालेंगे तो पावर n माइनस 1 निकल आएगा. यहां क्या लिख सकते हैं? r टू द पावर n प्लस 1 जो कि बाहर निकल आएगा. अब क्या बच गया? ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर एन प्लस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन प्लस 1. ठीक है, तो अगर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें या डिकॉगर्स थ्योरम अप्लाई करके तब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात आए. सो दिस विल इक्वल टू 2 आई ए आर टू द पावर एन प्लस 1. अगर डिकॉगर्स थ्योरम यूज करेंगे तो ये पावर कहां आ जाएगा? एन बी में एन प्लस 1, और कंजुगेट लेंगे तो प्लस के साथ ऊपर चला जाएगा, या इसी का कंजुगेट अभी ले लें उसके बाद डिकॉगर्स थ्योरम यूज करेंगे. और नीचे क्या हो गया? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सो वी कैन राइट cos थीटा प्लस
I sine theta to the power n plus 1 minus cos theta minus I sine theta to the power n plus 1. ठीक है, नीचे कितना हो गया, नीचे कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होकर के cos square plus sin square is 1. अब डिमावर्स थ्योरम के एप्लीकेशन से क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n divided by 2ia r to the power n plus 1. Now it is equal to cos n plus 1 theta plus I sine n plus 1 theta minus cos n plus 1 theta minus I sine n plus 1 theta. ये मिल जाएगा. अब क्या हो गया, कहां से आ गए, ये डिमावर्स थ्योरम से. दोनों को घटा दिया, घटाने के बाद क्या मिलेगा, घटाने के बाद सेम साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वन टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय टू आई ए आर टू दी पावर एन प्लस वन इंटू टू आई साइन एन प्लस वन थीटा. टू आई कैंसिल, सो वी गेट माइनस वन टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय ए. Now what is the value, what value of r, because x is equal to r cos theta and y is a is equal to r sin theta, therefore we can put the value of r is equal to a upon sin theta. So putting the value of r, we get a divided by sin theta to the power n plus 1, taking constant value, into 2i cancel, into sin n plus 1 theta. Okay, then it is equal to minus 1 to the power n factorial n divided by a to the power n plus 2 into sin to the power n plus 1 theta into sin n plus 1 theta. This is the final nth derivative of the function. Similarly, if given function be of the form of, suppose that y is equal to x upon x square upon plus a square, then again we can write x divided by x square minus I square a square, because of I square is minus 1, right? Then its partial derivative, partial fraction, that means x upon x minus ia or x plus ia. Now we can write x plus ia or plus x minus ia. Dono ko jodne par kya milega, 2x hai kitna yahan x, so write 2 times of x minus a or x plus a, तो कितना आ गया, सो वी गेट 1 by 2 टाइम्स दिस by दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड by x माइनस i प्लस दिस. तो अब क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस अभी जो एग्जांपल में था उसी के आधार पर x और r a को एज्यूम करके इसका nth डेरिवेटिव निकाल ले सकते हैं, और यहां से डायरेक्ट निकल सकता है पहले कि देयरफॉर yn इज इक्वल टू
minus 1 to the power n factorial n divided by 2 and 1 upon x minus I a to the power n plus 1 plus 1 upon x plus a to the power n plus 1. Okay, then similarly putting x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta, then here we get r is equal to a divided by sin theta and theta is equal to cot inverse x upon a. Now putting the value of x and a in this, we get minus 1 to the power n factorial n upon 2. दोनों में ठीक उसी तरह से क्या आएगा, r आएगा, बाहर कितना हो गया r to the power n plus 1, so we get 1 divided by cos theta minus I sin theta to the power n plus 1 plus 1 divided by cos theta plus I sin theta to the power n plus 1. Then applying conjugate and de Morgan's theorem, then we get here previous example की तरह कितना मिल जाएगा, इतना, और यहां से मिल जाएगा cos n plus 1 theta plus I sin n plus 1 theta, ठीक है, प्लस इसमें माइनस साइन के साथ मिलेगा, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवोर्स टर्म अप्लाई करने पर थीटा माइनस आई साइन एन प्लस वन थीटा. तो इस बार क्या हो गया, ये और ये कैंसिल और ये दोनों का सम टू हो गया, टू टू कैंसिल और पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर देन वी गेट डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय sin theta to the power n plus 1 into cos of n plus 1 theta. इस तरह से मिल गया और theta का cot inverse x by a, so we get minus 1 to the power n factorial n a to the power n plus 1 and 9 to the power n plus 1 theta and cos of n plus 1 theta. तो ये एरर डेरिवेटिव निकल गया, where theta is cot inverse x by a. इस तरह से हम एरर डेरिवेटिव निकालेंगे. ये सारे अप्लाई करने के बाद इसका नेक्स्ट एक बहुत अच्छा थ्योरम है, which is known as Leibniz theorem. Leibniz theorem में क्या है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबनिट्ज़ थ्योरम वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. लाइबनिट्ज़ थ्योरम ये क्या है, स्टेटमेंट इज इफ यू एंड वी बी two functions of x differentiable n times, then we can write nth derivative of the product of function represented like this, u into v, right, n, that means nth derivative of the product of function u and v, it is equal to nc1 nc0
यू एन डी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन डी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू डी टू प्लस वन प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर डी आर प्लस वन प्लस एन सी एन यू बी एन. हियर यू एन का क्या मतलब हो गया? यू एन मीन nth derivative of u. Similarly, u n minus 1, it means n minus 1th derivative of u and so on. u 1, it means first derivative of u. Similarly, d 1, it means first derivative of v. v2 second derivative of v and so on. vn, it means nth derivative of v. ठीक है. And nc0, nc1, nc2, these all are binomial coefficient. जैसे binomial theorem में हम लोग प्रूफ किए थे उसी तरह का इसका भी प्रूफ होगा. और इसका प्रूफ ऑब्वियसली क्या था बायनोमियल में? मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा. सो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन प्रूव लाइबनिट्ज थ्योरम. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं कि पहले हम थ्योरम को देखते हैं वन के लिए ट्रू है कि नहीं, उसके बाद फाइनाइट वैल्यू के लिए देख लेंगे, फाइनाइट वैल्यू के साथ उसमें फिर प्लस वन करके उसके साथ ट्रू है कि नहीं, तब क्या होगा? That means it is true for each positive value. So first of all, suppose that y is equal to u into v. Therefore, first derivative y1 is equal to u1 v. Derivative of u, u1, v is constant plus u constant or v का derivative v1. ये हो गया. तो क्या ये इस थ्योरम को होल्ड करता है कि नहीं, इसको सेटिस्फाई करता है? तो इस तरह का फॉर्म में लिखेंगे n का मान कितना है? n इज 1, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 c नॉट u1 b प्लस सेकंड लास्ट टर्म हो गया, दैट मींस 1 c 1 u b 1. क्यों हो गया इतना? Since 1c0 is equal to 1c1 is equal to 1, इसलिए लिखना लिख सकते हैं इसको. ठीक है. Similarly, y2 the second derivative, इसका second derivative कितना हो जाएगा? इस function का देखेंगे कितना हो गया? u2b, u1 का derivative u2, b constant plus u1 constant, b का b1 plus फिर u का derivative u1 v1 constant plus u constant और v1 का v2. So the result is u2v plus 2u1v1 plus uv2. ये मिल गया. ठीक है. अब फिर से देखते हैं कि थ्योरम के आधार पर ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? Then write 1. 1 का मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? 2c0. 2c0 is equal to 1. u2b plus 2c1. 2 is equal to 2c1. u1b1 plus 2c2. uv2. ये भी आ गया. उस थ्योरम का इसका मतलब क्या हो गया? Therefore, the theorem is true for n is equal to 1, n is equal to 2 के लिए. And suppose that the theorem is true for finite value, that is for the value of m. And so write ym is equal to ubm, that is mc0 umb plus mc1 um minus b1 plus mc2 um minus 2 b2 plus so on
प्लस एम सी एम यू बी एम, ये मिल गया। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू एम सी नॉट यू एम भी का, यू एम का डेरिवेटिव यू एम प्लस वन और भी इज कॉन्स्टेंट प्लस यू एम कॉन्स्टेंट और भी का भी वन, ये डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली फॉर दिस इज इक्वल टू प्लस एम सी वन, डेरिवेटिव ऑफ यू एम माइनस वन इज यू एम बी वन कॉन्स्टेंट प्लस यू एम माइनस वन कॉन्स्टेंट, फिर बी वन का डेरिवेटिव दैट इज बी टू प्लस एम सी टू, उसी तरह से इसमें यू एम माइनस टू का डेरिवेटिव यू एम माइनस वन बी टू कॉन्स्टेंट प्लस यू एम माइनस टू कॉन्स्टेंट बी टू का बी थ्री प्लस सो ऑन प्लस एम सी एम इज यू का डेरिवेटिव यू वन बी एम कॉन्स्टेंट यू कॉन्स्टेंट और बी एम का डेरिवेटिव बी एम प्लस वन, ठीक है। अब यू एम प्लस वन इसके सारे लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, कब देखते हैं क्या मिलेगा, लाइक टर्म को अरेंज करने के बाद अरेंजिंग लाइक टर्म्स टुगेदर वी गेट वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू, फर्स्ट में ये आ गया एम सी नॉट यू एम प्लस वन भी प्लस, दूसरे में हो गया यू एम प्लस वन भी वन, यू एम प्लस वन भी वन दो जगह है, दोनों का कोफिशियंट क्या हो गया, एक में आ गया एम सी नॉट दूसरे में हो गया एम सी वन यू एम बी वन प्लस, उसी तरह से सेकेंड में यू एम माइनस वन बी टू, कितने जगह है, एक यहां दूसरा यहां, तो प्लस कोफिशिएंट क्या क्या है, एम सी वन एक में दूसरे में एम सी टू, सो राइट एम सी वन प्लस एम सी टू यू एम माइनस वन बी टू प्लस फोर प्लस लास्ट टर्म में देखते हैं एम सी एम दिस एम सी एम यू बी एम प्लस वन। अब कॉम्बिनेशन का परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या है, ए एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इज इक्वल टू एम प्लस वन सी आर। अब यहां देखते हैं कि वेर एवर आर इज इक्वल टू वेर आर इज इक्वल टू जीरो जीरो टू वन टू थ्री एंड सो ऑन सभी के लिए ट्रू है, तो फॉर आर इज इक्वल टू वन कितना मिल जाएगा, फॉर आर इज इक्वल टू वन वी गेट एम सी नॉट प्लस एम सी वन इज इक्वल टू कितना मिल गया था एम प्लस वन सी, इसका मैक्स आर इसका मैक्स हो गया वन, उसी तरह से फॉर आर इज इक्वल टू टू दैट मीन्स एम सी वन प्लस एम सी टू, तो इस दोनों में यहां मिल जाएगा वन एड करके एम प्लस वन सी इसका मैक्स कितना हो गया टू, तो ये रिजल्ट मिल गया दैट मीन्स एम सी वन प्लस एम सी टू इज इक्वल टू एम प्लस वन सी टू, ये इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, आगे आगे के टर्म के लिए भी इसी रूप में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो एम सी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस वन सी नॉट इज इक्वल टू वन, सो वी कैन राइट एम सी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस वन सी नॉट, सिमिलरली एम सी एम इज इक्वल टू वन ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू एम प्लस वन सी एम प्लस वन।
Therefore, this result can be written as Ym plus 1 is equal to m plus 1c not um plus 1b plus, इसके लिए क्या लिख सकते हैं यहां से, m plus 1c1 um b1 plus, इसको क्या लिख सकते हैं यहां से हो गया m plus 1c2, so write m plus 1c2 u m minus 1 b2 plus so on, and the last term m plus mcm is equal to plus m plus 1 c m plus 1 and u b m plus 1. So yahan kya dekhte hain, in this way we see that the theorem is also true for m plus 1. Thus the theorem is also true for n is equal to m plus 1. Therefore, by the method of mathematical induction, it is true for each positive integral values of n, and therefore Leibniz theorem says that yn, and therefore yn is equal to ub n, that is nc naught unb plus nc1 un minus b un minus 1 b1 nc2 un minus 2 b2 plus so on, plus general term is ncr un minus r br plus so on, plus ncn ubn. इसको याद रखना भी बहुत आसान है. जितने टाइम्स तक डेरिवेटिव निकालना है सबके ऊपर में n आएगा, कोफिशिएंट जीरो से n तक बढ़ेगा, और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट रहेगा, फिर फर्स्ट का सेकंड में एक का घट जाएगा n 1th डेरिवेटिव, दूसरे का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसी तरह से आगे बढ़ेगा. या इसके आधार पर लिख सकते हैं व्हेनेवर व्हेन वी राइट ncr, that means derivative of u, u का डेरिवेटिव कितना बार होगा n 1 टाइम्स, और v का डेरिवेटिव r टाइम्स, दोनों का डिफरेंस u के लिए और v के लिए r हो गया. इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं, और इस पर जो प्रॉब्लम होगा फिर से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और एनी क्वेश्चंस, और किसी भी तरह अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट हमको आप भेज सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, उसमें उसका जवाब हम देंगे फिर. थैंक यू.